हेलो टू ऑल अवर कम्युनिटी मेंबर्स मिशन आई एस में आपका स्वागत है वी वी आर अबाउट द एशेंट हिस्ट्रीज पी वाई क्यू एंड अब तक हम लोगों ने 2020 तक के पेपर्स को कवर किया है नाउ वी विल डिस्कस 2019-2018 पेपर एंड होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज डिस्कशंस बिकॉज इससे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे आपका रिविजन भी होगा साथ ही साथ आप ट्रेंड को भी समझ सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है सो तो दैट आप अपने रिविजन को उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो ऐसे तो आपको ही पता है सिलेबस इज वेरी वास्ट स्पेसिफिकली अगर हम हिस्ट्री की ही बात करें तो एंशेंट मॉडर्न मिडाइव सारा कुछ आपका पढ़ना पड़ता है बट एक्चुअली यू हैव टू डिवोट द टाइम स्पेसिफिकली फ्रॉम द टॉपिक्स दे आर आस्किंग फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपीटेडली एंड गोइंग बियॉन्ड दैट टॉपिक इट विल बी लेस बेनिफिशियल इफ वी कंपेयर विद द कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस सो नाउ वी हैव लेफ्ट विद फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स डेज डेफिनेटली तो उसी अप्रोच से चलना पड़ेगा कि हम पार्टिकुलर टाइम एलोकेट करते हैं दो दिन तीन दिन जो भी होगा एंड उसी टाइम पीरियड में हमें रिविज़न करना है उससे ज़्यादा अगर बियड जाके टाइम अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं खासकर एनशम ए डेवल में तो फिर इट विल बी नॉट टू प्रोडक्टिव तो अप्रोच तो वही होनी चाहिए कि मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस हो उसके बाद एंसियट पर एंसियट में भी जो आपके कल्चर स्कल्पचर एंड टेम्पल्स जो पूछे जाते हैं लोकेशन स्पेसिफिक जैसे आईबीसी में आप देखते हो ऑन ईयर बेसिस एक क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं तो उसी हिसाब से आपको अपना अप्रोच रखना ही चाहिए है ना जैसे एक बात तो आप शोर देख रहे होगे अब तक के डिस्कशन में कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन एंशियंट के हैं वो आपके लोकेशन होते हैं जैसे अशोका में आप देख लो पिलर्स कहाँ पर है और उसके बाद आई का साइट हो गया एलोंग विथ जो आपके स्कॉलर्स रहे हैं उनके बुक्स उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली अगर बुद्धिज़्म जैनिज्म की बात करें तो उसमें आपका जो सेक्ट है डिफरेंट सेक्ट बोधि उन सबसे पूछ लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको उसी टॉपिक्स को चूज करके प्रिपेयर करना चाहिए है ना तो आपका टाइम भी बचत होगा एंड आप टू द पॉइंट स्ट्राइक करोगे सो नाउ वी मूव टू द 2019 पेपर होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई यू ड्राॅइंग टू से तो 2019 में पहला क्वेश्चन आप देखो सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको लोकेशन याद होंगे आईबीसी साइट के तो बन जाएंगे ठीक है विच ऑफ द फ्लैंग इज नॉट ए हरप्पन साइट अब यहाँ पर ध्यान रखना है नॉट है हरबरी में रहेंगे तो पता चला नॉट दिखेगा नहीं और आप देखोगे शैन उदारो ऑप्शन में आप इसको मार्क कर दोगे तो दैट विल बी निगेटिव एस्पेक्ट तो यहाँ पर क्या पूछा गया कौन सा नहीं है तो कौन सा है उसको पहले छाटना पड़ेगा उसके बाद आपका जो कौन सा नहीं है वो निकल जाएगा तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आई बी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपको भी पता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हैर दी ओल्डेस्ट वन भी कह सकते हो तो जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन देख रहे हो आप इस रीजन में आईबीसी के जो साइट है या फिर आईबीसी के जो लोग थे वो डोमिनेट करते थे रहते थे नाम ही पड़ा है आपका इंडस बेसिकली जो रिवर इंडस है उसके कंटेक्स्ट में ठीक है तो आप हमें बताओ क्या चैन होदारो हरपन साइट है कोट दीजिए क्या है ये सोहागौरा या फिर देशलपुर तो बेसिकली ये जो आपका सोहा गौरा है सुहागोरा आई साइट नहीं है बेसिकली गौरा हर्षवर्धना पीरियड के इंस्क्रिप्शंस को रिप्रेजेंट करता है है नागोरा गौरा, गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी सुना होगा आपने हर्षवर्धना के पीरियड को रिप्रेजेंट करता है तो दैट्स वाई सी ऑप्शन विल नॉट बी देयर तो बचा क्या ये तीनों आपके आई साइट है ना और पिछले बार भी यू ने पूछा ही था आई थिंक कि डोलवीरा जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर भी किया गया था और कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स जो आई के हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में सबसे ध्यान रखना है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो है आपका मांडा जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और सबसे वेस्ट में है आपका सुतका गेंडोर जो कि आपका अफ़गानिस्तान ईरान के लोग, अफ़गानिस्तान ईरान ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के लोग आपका ये मिलता है उसके बाद सबसे साउथ में आपको महाराष्ट्र के लोग देवाबाद में देखने को मिल जाता है और सबसे आपका यूपी में जो आलामगीरपुर है वहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है तो ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है को ध्यान रखना है उसके बीच में बहुत सारे साइट राखी गढ़ी कालीबंग अब गुजरात में देख लो ढोलबीरा है लोथल है रंगपुर है ठीक है देसलपुर भी होगा तो ये ध्यान रखना है तो वी है क्वेश्चन नंबर टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ क्लचर रनो का मैंशन एलॉन्ग विद द स्टोन पेट्रियोट ऑफ अशोका तो बेसिकली इसमें आपका रन है अशोका जैसे आपको ही पता होगा कि जो भी आपका अशोकन मेजर एडिक्ट उसमें जो अशोका का नाम है वो डायरेक्टली नहीं आया यदाशी के नाम से अशोका फेमस है लेकिन एक इंस्क्रिप्शन है और वो इंस्क्रिप्शन क्या अशोका का जो स्क्रप्चर है वो बनाया गया है और नीचे जो है वहाँ पर रन अशोका नाम लिखा गया है तो बेसिकली वो इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है कौन से लोकेशन में है क्या वो कंगना हली में है क्या वो सांची में है क्या वो सवाज में है या फिर सोहागोरा में कहाँ पर है तो सोहागोरा तो मैंने आपको बताया था ये हर्षवर्धना का जो पीरियड है उसको रिप्रेजेंट करता है ये तो नहीं होगा सांची की बात करें तो हाँ सांची स्तूपा जो है वो अशोका ने बनवाया था डेफिनेटली बट वहाँ पर आपने कभी पढ़ा नहीं होगा कि रन अशोका वहाँ पर मैंशनड है आवाज गरी आपका पाकिस्तान में है, है ना तो आप हमें बताओ कि बच्चा कौन सा तो बच्चा आपका कंगनाली ठीक है और ये जो कंगना हली है कर्नाटका में ठीक है और यहीं पर आपका अशोका को रन अशोका के रूप में कहा गया है ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग आपका बुद्धिज्म जैनिज्म से एसोसिएटेड है ये तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया ही है एक है आपका डेफिगेशन ऑफ बुद्धा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रीडिंग द पार्थ ऑफ बोधि सतवाज एंड थर्ड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फलैंग इज आर फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म तो महायाना आपको पता है ना बुद्धिज्म जो है दो भाग में बट गया था हीन याना और महायाना में तो हीन याना बेसिकली ऑर्थोडॉक्स एंड महायाना यानी कि जो आपका पूजा फिर आपका अवतार सब में विश्वास रखते हैं महायाना वाले में ठीक है तो जाहिर सी बात है महायाना में आपका बोधि सत्वा या फिर आपका बुद्धा को गॉड के रूप में देखना विथ इमेज एंड रिचुअल्स देखने को मिलेंगे तो बेस्ड ऑन दैट कंसिडरेशन ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे ठीक है डेफिकेशन ऑफ बुद्धा रीडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिप एंड इमेज एंड रिचुअल तो ये ध्यान रखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से आपको मैंने पहले भी जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड सेक्ट है है ना महायाना ही जैसे हीनी में आपका स्थर वादी देखने को मिल जाता है और महायाना में आप हमें पता और कौन से सेक्ट आते हैं तो ये याद रखना है बार बार यूपीएससी क्वेश्चन सेक्ट के बारे में पूछ लेते कल्याण वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ जो कल्याण मंडपाज आप जैसे आप देखते हो टेम्पल अगर विजिट करते हो तो एक तो सेंटम सेक्टोरियम जो यहाँ पर गॉड को रखे जाते हैं वो तो है ही साथ ही साथ एक कल्याण मंडपा जो कि आपका प्रेयर हॉल के रूप में होता है है ना जहाँ पर प्रेयर सब ऑफ़र की जाती हैं तो विशाल मंडपा बनाने का जो एक क्या कहते हैं उसको परंपरा जो लाई गई थी कल्याण मंडपाज के रूप में वो आपका कौन से किंगडम में देखने को मिलता है आपने पढ़ा भी होगा आप बताओ पॉज करके सोचो वैसे तो इसमें डायरेक्ट आंसर है आएगा तो आएगा नहीं तो नहीं। क्या वो चालुक्या है चाहे वो चंडेला है क्या वो राष्ट्रकूताज है क्या वो विजयनगरा है तो बिल्कुल आपने सही सोचा इट इज़ विजयनगरा कल्याण मंडपाज होते कैसे हैं आप देख लो है ना ये है आपका कल्याण मंडपाज प्रेयर हॉल के रूप में है ना यहाँ पर पूजा सब वो सब ऑफर की ये बातें हो गई एंड नाउ ये आपका विजय नगर एम्पायर का टेम्पल कंस्ट्रक्शन में विजयनगर नगर को फाउंडर कौन है आप हमें बताओ और इसमें चार डायनेस्टी देखने को मिलते हैं उसको आप क्रोनोलॉजी में अरेंज करके बताना एंड जो चारों डायनेस्टी है तुलुबा, तुलुबा, संगमा एंड एक और थे उनसे के सिंबल भी थे रिप्रेजेंटेशन भी थे वो भी आप हमें बताओ we have discussed 2019 paper now पेपर नाउ moving आर मूविंग paper टू 2018 paper पेपर तो lo fir se पेपर में देख लो फिर से आपका फेस्टिवल gaya स्टेट को क्वेश्चन पुछ पूछा गया है ये आपका करंट अफेयरस न्यूज में होगा उससे एसोसिएटेड पूछ लिया गया ठीक है तो मैगजीन सब में जो फेस्टिवल्स के न्यूज रहते हैं जनरली आपको क्या याद रखना चाहिए कि कौन से स्टेट से क्योंकि एक एक फेस्टिवल के डिटेल्स क्या है क्या नहीं है बहुत ही कम चांसेस है पूछने के बट आपको इतना तो सफिशेंट याद रहना चाहिए मिनिमम कि स्टेट और कौन से फेस्टिवल ठीक है तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में आपका चापचार कुट फेस्टिवल क्या वो मिज़ोरम का है दूसरा है आपका खॉन्दम पर्व बलाड क्या वो मणिपुर का है तीसरा आंगटा डांस वो सिक्किम का है तो आपके बाकी जो ऑप्शन है वन वन एंड टू वन एंड टू वन एंड थ्री होगा फिर टू एंड थ्री होगा तो आप पाँच करके सोचो अगर एक भी याद होगा तो एलिमिनेट कर सको तो कर सको ये जो आपका थांगटा डांस है ना ये सिक्किम का नहीं है ये मणिपुर का मार्शल डांस आर्ट है ठीक है मणिपुर का ही है थर्ड बिकम्स रॉन्ग इफ द थर्ड बिकम्स रॉन्ग क्या वी आर टू ऑप्शन वन एंड वन एंड टू बेसिकली ये जो दो है इट इज करेक्ट जो चापचार कुट फेस्टिवल है मिजोरम का है और जो खोन्जोम पर्व है वो भी आपका मणिपुर ठीक है और थांगटा तो मैंने आपको बता ही दिया है मणिपुर So let's move to to the next question. With reference to cultural history of India, consider the following statements. Statement चार स्टेटमेंट दिए गए अब देखो चार स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पर यूपीएससी क्लू दे सकती ठीक है वॉज करके आप स्टेटमेंट पढ़ो और सोचो कि कौन से options सही होने की probability ज़्यादा है है ना कि ऐसे में आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो अगर इलिमिनेट करते हैं तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो सही हो सकते हैं गलत होने के चांसेस कम है तो लेट्स कि अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृति त्यागराज और जो अनमाचार्य हैं ये बेसिकली डिवोशनल सेंथ कह सकते हो आप मेडावल पीरियड के है ना तो जो त्यागराज कृतिज है ये बेसिकली डिवोशनल सॉन्ग्स हैं इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा ये आपका पहला स्टेटमेंट है सेकेंड त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज तीसरा अन्नमचार्य एंड त्यागराज़ आर कंटेम्प्रोरी चौथा अन्नमचार्य कीर्तनाज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर तो अब देखो अगर हम वैसे तो सोचो आप क्या आंसर होने चाहिए चलो सोच लिए उसके बाद अब कुछ हम क्ल्यू निकालते हैं अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागाज अब इसके जो चांसेस हैं सही होने के अगर देखोगे तो ज़्यादा है अगर लो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलोगे तो बेसिकली ये आपके डिवोशनल थी थे तो नए राग क्रिएट हो सकते थे इसमें कोई दो राय नहीं है तो सेकेंड स्टेटमेंट के चांसेस सही होने के ज़्यादा है ये सब तब लॉजिक लगाना है जब क्वेश्चन नहीं आते आते हैं तब तो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब नहीं आते हैं तब ये लॉजिक लगते तो इफ वे कि सेकेंड ऑप्शन सही होने चाहिए बाकी जो है एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है ठीक है अब थर्ड स्टेटमेंट देखते अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आ कंटेम्प्रोरी जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि जो, जो यूपीएससी कंटेम्प्रोरी शब्द यूज करती है खासकर हिस्ट्री के, के क्वेश्चंस में वो गलत होता है है ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जहाँ पर कंटेम्प्रोरी शब्द आए हैं हिस्ट्री के, के केस में वो गलत ही हुए तो यहाँ पर अब ये जनरल रूल तो नहीं है लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन नहीं आते पता चले एक ऑप्शन छाँट दिए और अगर आपको आंसर तक पहुँचना है तब ये नियम अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज आ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो थर्ड स्टेटमेंट आपका वैसे सच में गलत ही है इफ वी कैंसिल थर्ड वन आर लेफ्ट विथ ट्वेंटी फोर ओनली अब जो त्यागराज है ना वह आपका एटीन सेंचुरी में जन्म लेते हैं लेट एटीन सेंचुरी अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो सत्रह सड़सठ तमिलनाडु में इनका जन्म होता है तंजावूर में एंड जो आपके अन्नमाचार्य है ये बहुत ही पहले लगभग आपका फिफ्टीन सेंचुरी अर्ली फिफ्टीन सेंचुरी में इनका जन्म होता है है ना चौदह सौ आठ ईस्वी में तो फिर कंटेम्प्रोरी तो होंगे कंटेम्प्रोरी यानी कि सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें तो तीन सौ साल का अंतर है तो सेम पीरियड के तो होंगे नहीं तो दैट्स थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स एंड वी आर लेफ्ट विथ फोर और अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो यस yes, त्यागराज क्रिएटेडाज एंड जो अन्नवाचार्य कीर्तनाज है ये लॉर्ड वेंकटेश्वरा के पेज में ए गए हैं ठीक है और ये जो आपके त्यागराज हैं वो तो रामा भक्ति में डिवोटेड है ना मूव टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला वाइट मार्बल्स वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड का जो आपका रूमी बरा बरा दरवाजा जो कि फतेह है। अब कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताने क्या वन टू या, या दोनों या फिर कोई भी नहीं या बताओ तो लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा अगर आपको पता है फैक्ट यहाँ बनेगा है ना थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है ये तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको स्टेम्प्ट सावधानी से करनी चाहिए इतनी डिटेल में तो जनरली नहीं ही पढ़ के जाते हैं स्टूडेंट्स कौन से इसे बने हुए हैं बट चलो एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं देख लो जो बुलंद दरवाज़ा है और खान का है है बेसिकली आपका मान के चलो कि रेस्ट हाउस होते थे जहाँ पर रिलीजियस डिस्कशंस सब हुआ करती थी कि नॉलेज एक्सपेंड हो ब्रदरहुड प्रमोट हो इन सब चीज़ों के लिए खान का होता था तो जो आपके बुलंद दरवाजा है वो वाइट मार्बल से नहीं रेड सेंड स्टोन से बनाए गए हैं है ना फतेहपुर सिकरी में जो आपके बुलंद दरवाजा सब बनाए गए हैं वो आपके रेड सेंड स्टोन भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेड सैंड स्टोन ज़्यादा चलता है ज़्यादा अवेलेबल है रेदर देन वाइट मार्बल है ना? एंड अगर हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की तो रेड सैंड स्टोन एंड मार्बल वेयर यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम एंड रूमी दरवाजा इन लखनऊ तो बेसिकली ये जो बड़ा एम बड़ा है लाइम स्टोन से बनाया गया है है ना आप इसका अगर इमेज देखोगे तो थोड़ा वाइटिस लगेगा एंड दैट वाइटिस इज ड्यू टू द लाइम स्टोन इन दैट स्ट्रक्चर तो दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग एंड वी गेट नॉट करेक्ट ठीक है तो आप हमें हाँ बताओ कि बनाया किसने था है ना? कौन से रूलर ने बनवाया था एंड फतेहपुर सिकरी को कौन अप किया? था? ये आपका है फेमस साइट है सेटअप से किया था वी मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हुए ये सब बोधिशत्वा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब लोकितेश्वरा लोकेश्वरा मैत्री बुद्धा पदम पानी बुद्धा है ना तो उसमें से ये जो ऑप्शन दिए गए उसमें से एक है जो फ्यूचर बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं कि भविष्य में बुद्ध आएंगे टू सेव वर्ल्ड तो वो कौन से बोधिसत्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली आपका मैत्री बोधिसत्व है है ना बेसिकली बोधिसत्वाद मतलब क्या कि जिसने नॉलेज पा लिया है रियलिटी पा लिया है तो वो बेसिकली बोधिसत्व हो जाते हैं है ना तो बेसिकली जो मैत्री बोधिसत्व इनको फ्यूचर बुद्धा भी कहते हैं और पदम पानी बुद्धा बेसिकली लोटस बुद्धा एंड ये जो और दो हैं ये आप देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे पूछे गए हैं और भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं बोधिशतु या फिर जो आपके मैंने अभी बात की ना मूव टू द नेक्स्ट वन द वेल नोन पेंटिंग बानी थानी आपका फैक्ट क्वेश्चन है बानी थानी किशन स्कूल से बिलोंग करता नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स विथ रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्थानाकवादी सेक्ट फिर से आ गया ना बौद्धिज्म और जैनिज्म में जो आपके सेक्ट है वो काफी इंपोर्टेंट है पूछ लिए जाते हैं कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सेक्ट आए हैं उसका तो आपको बढ़िया से पता होना ही चाहिए तो जो स्थानाकवादी है जैनिज्म सेक्ट को बिलोंग ठीक है तो हमने 2000

लगभग यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए ठीक है थोड़ा सा आपको आई और ऋग्वेदिक के बारे में पता होना चाहिए टू दिस क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्या बातें ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड द कोर्ट ऑफ मेल एंड हेलमेट वॉरफेयर वेयर इज द पीपल ऑफ आई बी सी नॉट लीव एनी सेकेंड स्टेटमेंट ऋग्वैदिक आर्यंस नो गोल्ड सब गोल्ड सिल्वर कॉपर के बारे में जानते थे जबकि आईबीसी के लोग ओनली कॉपर एंड आयरन के बारे में जानते थे तीसरा ऋग्वेदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर इज देयर इज नो एविडेंस ऑफ आईबीसी हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल यानी हॉर्स तो बेसिकली ये सिंपल क्वेश्चन है आप एलिमिनेशन के माध्यम से भी इस पर पहुंच सकते हो आंसर कैसे तो बस इतना तो पता होना चाहिए आपको तो कि जो आयरन की डिस्कवरी जो तो ऋग्वैदिक पीरियड में या फिर लार्टर वैदिक पीरियड में हुई थी हवीसी में दैट्स रियली सिविलाइजेशन के दौरान आयरन उपलब्ध नहीं था ठीक है कॉपर उपलब्ध था है ना दैट्स व्हाई आईबीसी के पीरियड को चालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं ये भी पता तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आई बी सी पीपल नो एंड आयरन के बारे में तो उनको जानकारी नहीं थी अब so में दिमाग लगाना है तो थर्ड स्टेटमेंट आर्यन आरियन डोमेस्टिकेटेड आई बी सी पीपल हॉर्स के बारे में अवगत नहीं थे ये स्टेटमेंट बिकॉज आर्यस ने ही अपने साथ हॉर्स लेकर आया था ठीक है एंड उसके बाद हॉर्स का डोमेस्टिकेशन देखने को मिला इन दिगवेदिक पीरियड लातर वैदिक पीरियड है ना एंड फर्दर तो बेसिकली थर्ड स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स करेक्ट आईबीसी के लोग हॉर्स के बारे में बिल्कुल अवगत नहीं थे ऐसा अभी तक तो निकल कर आता है जो भी आपके हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स हालांकि रिसर्च चलते रहती है जब भी आपका आर्कोलॉजिकल एक्सकन सब होता है तो फर्दर इंफॉर्मेशन लेकिन अभी तो यही है कि हॉर्स के बारे में वो अवगत नहीं थे तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कम्स कर

तो आप बताओ अभी तक तो आपने बुद्धिज्म जैनिज्म रिवाइज भी कर लिया होगा so yes, तो यस स्वतंत्रिका एंड बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म ध्यान रखना है ठीक है ये ध्यान रखना आप है आप क्या करो पेज लो और बुद्धिज्म जैनिज्म और जो भी यूपीएससी पी क्यू में सेक्ट के बारे में क्वेश्चन वो लिख दो कौन जैनिज्म के कौन बुद्धिज्म के और जो भी आपको पता होगा उसको भी ऐड कर दो कन्फ्यूजन दूर रहेगा तो स्वतंत्र का निश्ते ये बुद्धिस्ट सेक्ट है और जो सर्वस्ट है ये आपका बुद्ध में एक बुद्धिस्ट सेक्ट है तो इसमें साफ साफ कहा जाता है नाम से पता चल रहा है सर्वस्ट यानी कि हर जगह मौजूद तो वन फिलोसफी ये कहती है कि जो कोई भी इवेंट है इज नॉट ओनली मेमोनटरी सिर्फ कुछ भर के लिए नहीं है बट दे एग्जिस्टेड फॉर एवर ठीक है। मतलब जो भी चीज आप देख रहे हो आज वो पहले भी थी और आगे भी रहेगी सिंपल भाषा में यही बोला जाता है के अंतर्गत। तो सेकेंड स्टेट ये। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन द काकटी काकट् किंगडम काकटिया वरंगाल आपने सुना भी होगा ये जो आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पर आपके काकटिया डायनेस्टी डोमिनेट करते थे फाउंडर कौन थे आप हमें बता सकते हो एंड काकट् किंगडम में सबसे महत्वपूर्ण था मोटूपल्ली आंध्र प्रदेश में है और पोलो काकट् किंगडम विजिट भी किए थे वाया दिस पोर्ट ये पोर्ट काफ़ी फेमस है मछली कौन से डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट पोर्ट था ये आप हमें बताओ ना वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द पेंटिंग्स ऑफ दैट इज वो आपका कहाँ पर इलस्ट्रेटेड किया गया है कहाँ पर आपको ये पेंटिंग पदम पानी का देखने को मिलता है या वो अजंता में है बादामी में है बाघ में है कहाँ पर है बेसिकली ये आपका अजंता केव्स है अजंता के प्योरली बुद्धिस्ट केव है ट्वेंटी नाइन केव्स यहाँ देखने को तो यहाँ पर बहुत सारे पेंट बुद्ध के देखने को मिलते हैं है ना और कौन से किंगडम ने इसको पेट्रोनाइज किया था आप हमें बताओ एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर अलेवन यहाँ पर देखो ट्रेडिशंस या फिर यूँ फेस्टिवल और कौन से कम्युनिटी तो यहाँ पर लोकेशन नहीं पूछा गया यहाँ पर कम्युनिटीज पूछ लिया पहला है आपका चलिया साहिब फेस्टिवल क्या वो सिंधी कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं दूसरा आपका नंदा राज जात यात्रा और तीसरा वारी वरकारी संथान तो एक वरकारी चलो पहले ऑप्शन कौन से है वन या टू एंड थ्री या वन एंड थ्री या दी तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा वर्कारी सेक्ट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा ये महाराष्ट्र में आपका सेक्ट देखने को मिलता है और ये लॉर्ड विथोबा की पूजा करते हैं ठीक है तो ये आपके संथाल कम्युनिटी प्रोडक्शंस को सेलिब्रेट नहीं करते थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग वैसे थर्ड स्ट्रॉन्ग दो ऑप्शन बचते हैं वन ओनली एंड नन ऑफ ठीक है तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ जाए नंदा राज यात्रा फेस्टिवल राजे आपका गोंड गोंड ट्राइब ओडिशा में रहते हैं संथाल तो आपको पता है झारखंड में तो नंद राज जात यात्रा फेस्टिवल जो है ना आपका जो नंदा देवी से उस नंदा देवी कहाँ पर उत्तराखंड में और जबकि गोंड जो है ओडिशा में सर रहते

पहला दूसरा तीसरा तो कौन सा सन टेम्पल है याद रखना सन टेम्पल पूछा गया है टेम्पल तो ये सब भी है लेकिन सन टेम्पल पूछा जा रहा है क्या ओमकारेश्वर है अमरकंटक है और शबली है, है तो बेसिकली देखो ऑप्शन भी दिए गए वन टू एंड थ्री वन एंड थ्री एंड वन टू थ्री बेसिकली जो आपका ओमकारेश्वर है और अमरकंटक है ये तो आपका सन टेम्पल नहीं है सन टेम्पल फेमसली तो तीन ही है अगर देखा जाए तो एक तो कोणार्क सन टेम्पल जो आपका ओडिशा में है एक मोधेरा सन टेम्पल जो गुजरात में है एक आपका ये वली ये अर्षभ वली कहाँ आप हमें दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड बिकम्स रॉन्ग वी है आप थर्ड तो को एलिमिनेट कर देते तो आ जाता ओमकारेश्वर लॉर्ड शिवा का मंदिर है को रिप्रजेंट नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना बेसिकली डांस है डांस फॉर्म है मणिपुर so, संकीर्तना नाम से पता चल रहा है मणिपुरी तो मणिपुर में ये आपका इवेंट देखने को मिलता है so, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वन टू थ्री और आपको राइट आंसर सिलेक्ट कर तो क्या मणिपुरी संकीर्तना सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस क्या सिंबल्स ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इस परफॉर्मेंस में यूज किए जाते हैं इट परफॉर्म टू डेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड अब देखो ये जो आपके मणिपुरी संकीर्तना है आप पांच करके करने का प्रयास करो तो संकीर्तना नाम से पता चला संग यानी की कि कीर्तन सब होते हैं तो यानी कि म्यूजिक सॉन्ग डांस ये सब एसोसिएटेड होंगे इतना तो आपको पता ही होगा और पहला आपका जनरल स्टेटमेंट है डांस होने के सही सबसे ज्यादा है तो एक को तो रिजर्व भी कर लो तो बचा तीन ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन को देखोगे कि सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज भाई साहब कोई भी डांस परफॉर्मेंस होता है या फिर आपका सिंपल फेस्टिवल्स ही होते हैं तो उसमें मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट है ना तो ऐसा कहना कि ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंबल्स ही यूज़ होते हैं इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर है ना बिकॉज ऐसे आप छोटे मोटे डिटेल्स हमेशा याद रखने पाओगे तो ऐसे ही एलिमिनेट करना सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नो इट इज रॉन्ग जब दो रॉन्ग हो गया इज परफॉर्म टू नेरेट द लाइफ इन डी लॉर्ड कृष्णा ठीक है तो वी हैव कम्प्लीटेड टू थाउजेंड सेवनटीन तक का पेपर इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज टू थाउजेंड सिक्सटीन टू थाउजेंड फिफ्टीन पेपर तो नाउ फ्रेंड्स होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चंस, लगभग हमने बीस क्वेश्चन किए होंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू